लॉर्ड विष्णु चैरियट। अच्छा हाँ, ये पूरा चैरियट है ऊपर से लेकिन नीचे बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। साथ में सौरभ जोशी के भाषा में मस्त नहा धोवा कर हम रेडी हो चुके हैं। मेरा भाई वो भी मेरे लिए नाश्ता है पनीर पफ। तो थैंक्स बॉबी, थैंक यू सो मच। तो मेरे क्लास के लिए लेट हो रहा था, सो मेरे लिए नाश्ता लाया अभी। सो अभी मैं मस्त नहा धोकर रेडी हो गया हूँ। सो आई हैव टू गो फॉर माय टीएलसी क्लास राइट नाउ। सो मिलते हैं क्लास के बाद, टिल देन हैव अ गुड केयर। जब क्लास के लिए लेट हो जाएगा आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ेगा। लिफ्ट बाबा जल्दी आइए। या कम 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 कम, आंख में कुछ चला गया यार, क्या है? इट्स फाइन। अगर आपके आंख में कुछ चला जाता है तो ऊपर वाला ये पिपनी धड़ कर इसे पकड़ कर, अगर आप इसे 5 बार राउंड राउंड घुमाएंगे तो जो भी आंख में कुछ गया है तो साइड में आ जाएगा। So that's a good trick. You can get rid of when something enters in your eyes. Oh, thank you. Bro. Good morning, bro. Good morning. Good morning. Okay, so he is security sir in charge in the lift. बहुत ही अच्छा आदमी है. Thanks, my bro. Hi, bro. Hi. What's your name? लिपुन, इनका लिपुन नाम है, अदिल से बहुत ही अच्छा है। इनका स्माइल माइंड ब्लोइंग है, तो इनका स्माइल माइंड ब्लोइंग है। सो हम चलते हैं क्लास, ठीक है? आज प्रपोज है। लव यू ब्रो। अरे मेरा ठीक है, आप किसको प्रपोज करते हैं? ठीक ठीक। सो गाइस काफी लेट हो चुके हैं, 2 मिनट लेट इज लेट। सो अभी मैं 2 मिनट लेट हूँ। मेरा क्लास हुआ समाप्त और मैं अभी जा रहा हूँ रूम में, क्योंकि काफी सारा असाइनमेंट्स अभी बचा हुआ है। इट्स नॉट गोना एंड, अभी लंच के लिए नहीं जाएंगे। अभी गर्लफ्रेंड तो होगा ना ब्रो? नहीं, तुम्हें प्रपोज करना। भाई का गर्लफ्रेंड है, इसे प्रपोज करना किसी का? हम अपना गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर चुके हैं, ठीक है? और तुम्हें करना है, मुझे बताना है, ठीक? ठीक है। यही भाई बोला था मुझे प्रपोज करने के लिए, तो मैंने कर दिया, अब इसे करना होगा। बाय। सो अगेन बैक टू माय रूम। थोड़ा सा मस्ती हो जाता है। अन्ना, हम लोग अन्ना बोलते हैं बड़े भाई को यहाँ पे। तो अन्ना मुस्कुरा जाता है तो हम लोग का काम चल जाता है। बहुत ही फ्रेंडली है वो, बहुत ही दिल से अच्छा है, बहुत ही मानते हैं। और लिफ्ट में हमेशा बैठे रहते हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगेन बैक टू माय ओन रूम, चलते हैं। सर ने मेल किया कि आज वो नहीं आएंगे और शायद नेक्स्ट क्लास भी नहीं आएंगे वो। तो ही हैज़ गिवन सम वर्कशीट टू डू, अभी वो करना होगा। कुछ काम करने के लिए दिए हैं ऑन द मॉडल, आई हैव टू कम्प्लीट दैट फर्स्ट। And then see if I could get some time, I'm gonna go outside. मुझे बाहर जाना कुछ सामान लाने के लिए। सो बॉबी का क्लास अगर हो जाता है तो we'll go outside together. अभी कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद I'll see you again. ये मिरर ना बहुत गंदा हो चुका, बहुत गंदा ही। I love this mirror. इस आईने को बहुत ही अच्छे से साफ करना होगा आज। Wipe it out. Wow. Nice. Lovely, bro. We'll be right back.
लोग बाथरूम साफ किया करते थे पूरा क्लासमेट, एंड आई एम मिसिंग माई होल क्लासमेट। हाई गाइज, अगर आप मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज अप्रिशिएट माई वर्क। Now it's looking better. And this is me. Hello. So guys, good evening. हमारे साथ प्रैंक हो गया, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग को लगा कि आज मेला लगा हुआ है तो हम लोग घूमने आए थे। ए बबे, ए बबे कहाँ भाग रहे हैं? बॉबी और नीतू हम मेरे साथ घूमने आया था। वैसे मेला आज नहीं लगा हुआ है, कल ही लगा हुआ था। नहीं नहीं, हम सिटी देखने तो हम लोग सिटी देखने आ गए ना। सिटी नहीं देखने आए यार, गांव देखने आए हम लोग। चलो एक्चुअली अगर मेला नहीं लगा तो बाजार घूम लेते हैं कि नहीं, कुछ जलेबी वगैरह खा लेंगे। और बचपन में हम लोग टॉय लिया करते थे, तो ये तुम गुड़िया लेगा तुम छोटा सा। क्या गुड़िया? एक गुड़िया छोटा सा टॉय लेगा, टॉय कार, ये कार लेगा रिमोट वाला। तो देखो इसको, ये बहुत रो रहा है बच्चा की तरह, तो इसको कंसोल करना होगा हमको। अबे इतना ट्रैफिक कहाँ से है? ट्रैफिक ना इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। ये जरा मेरा तो भयंकर होता है, देख कर चलना चाहिए रोड पे। अगर मोबाइल बना रहे हैं, लोग बन भी रहा है आपका, तो मेक श्योर कि आप अगल अगल बगल देख कर चले। बोलेगा क्या अभी बोलेगा? और पूरा पेपर का बनाया हुआ, अंदर केवल लाइट डाला हुआ, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस मेन फेस्टिवल तो वैसे कल था, लेकिन आज भी डेकोरेशन है आज। तो थोड़ा मोड़ा है, उतना भीड़ नहीं है, लेकिन राम मंदिर जैसा डेकोरेशन है, आई जस्ट लव इट। आई लव द भीड़ एक्चुअली, क्राउड आई लव। तो बहुत ही अच्छा एंगल है, आई गोना शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। वाओ, सो दिस इज द राम मंदिर मेड, बहुत ही खूबसूरत है। वाह, मुझे लगा मेला खत्म हो गया है, लेकिन मेला तो खत्म हो चुका था। वाओ नाइस, ये है टेम्पोररी बनाया हुआ है, ये परमानेंट नहीं है। और ये टोटल रथ है, चैरियट। हाँ, ये पूरा चैरियट है ऊपर से लेकर नीचे, बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। साउथ में साउथ का कल्चर, आई जस्ट लव इट, माइंड ब्लोइंग कल्चर इन द साउथ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ब्रो, आई गोना एडमायर इट। तो काफी खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगा देखने को नहीं मिलेगा मेला, लेकिन नितिन का आना यहाँ वर्थ है। और
वैसे आज ज्यादा भीड़ नहीं है लेकिन ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कि अंदर चलते हैं, पता नहीं अंदर एक्सेस है कि नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा, जाते हैं घूमते हैं एक बार, है कि नहीं, कल तो घूमते हैं अंदर। वाओ, इसको हाथी लेके आया था क्या? हाथी लेके आए थे। ये तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बाहुबली में जो होता नहीं है बहुत बड़ा रथ जो कि बाहुबली का माँ लेके आती है, तो वही बोला। तो गाइस मुझे ना बाहुबली का बाहुबली का वाइब आ गया, क्योंकि जो बाहुबली में जो खींचता है ना ये वाला रथ, एक कौन सा शिव कामी है, क्या नाम है उसका? महेश। अच्छा महेश मती। अरे साम्राज्य का महेश मती नाम है यार, शिव कामी, माता शिव कामी, माता शिव कामी जो आती है रथ लेके, वही रथ लग रहा है जैसे कि। बहुत चलते हैं हम लोग, अंदर निकलते हैं, अंदर जाते हैं। सो हम लोग अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मुझे पता नहीं कि अलाव है कि नहीं वीडियो बनाना, पर थोड़ा सा देखते हैं, अगर कोई बोलेगा तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छा है अंदर, शायद भजन हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आई एम गोइंग इन साइड एक्चुअली, फिर अंदर जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, अंदर बैठना पड़ेगा फिर, सो आई डोंट वांट टू गो राइट नाउ। वैसे भी हम केवल विजिट करने आए थे यहाँ पे, घूम लेते हैं एक बार। सो एक्चुअली बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सीन। यहाँ का आइडल जो जिस तरह मूर्ति को दर्शाया जाता है बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ का कुछ भी राम मंदिर टोटली चेंज, ये राम मंदिर लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड राम, तो भाई साहब हम लोग राम मंदिर घूमाए, काफी अच्छा था, आप लोग सब जानते हैं क्या वाइब होता है राम मंदिर में जाने का, सुकून मिलता है, यू विल फील ग्रेट पीस एंड ऑल, सो इट वॉज रियली कूल, आई जस्ट लव दैट। सो अब हम लोग अपने कैंपस के थ्रू, हम अपने कैंपस के और चल रहे हैं, हम लोग चलते हैं वापस अपने यूनिवर्सिटीज़ में। सो फाइनली हम लोग अपने कैंपस आ चुके हैं, रात हो चुका है, तो डांसर्स हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वहीं पे सब हैं, आई थिंक होंगे या नहीं होंगे आई डोंट नो, सब गुस्से में है, काफ़ी गुस्से में है सब, प्रैक्टिस आज हम करने नहीं आए थे ऑन द टाइम, सो आई हैव टू गो, दे माइट बी वेटिंग फॉर मी, सो अभी वहाँ चलते हैं, उन लोग का रिएक्शन देखते हैं, सर लगता है कि आज बहुत मार पड़ेगी मुझे, चलते हैं वहाँ पे फिर, आई विल स्टार्ट द व्लॉग। पानी यार, पानी पी लेते हैं। इस जगह को बेसिकली हम लोग हिंज एरिया बोलते हैं, और हिंज का मतलब मुझे पता नहीं क्या होता, और इस नाम के पीछे लॉजिक आई डोंट नो, तो काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शंस होती रहती हैं, प्लेसमेंट्स का, डिसप्लेसमेंट्स का, और एग्जीबिशंस वगैरह यहीं पे होती हैं एपीयू का, काफ़ी लंबा एरिया है यहाँ से लेकर वहाँ तक। किस तरफ डांस क्लास हम लोग आ चुके हैं अभी फिलहाल, सो लाइक ये लोग
काफी गुस्से होंगे, आई डोंट नो राइट नाउ. हेलो ब्रदर, आई वाज रियली मिसिंग यू. दैट्स माय फ्रेंड. हाय, आज डांसिंग सच अ गुड फ्रेंड माइन. ओह माय, ओके, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड ब्रो. सो आज डांस करने आया हो? सॉर्ट ऑफ ना. या अच्छा, सो काफी देर बाद आए हैं, कई काम था इसलिए बाहर गए थे. सो मेरा टीम बढ़ चुका है, नाइस ऑफ धर्मेंद्र. People over here are waiting for us. So, let's see. So, hello guys, हम लोग का practice अब हुआ समाप्त और अभी 11 बजने वाले हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने रूम में और फिर अब कल प्रैक्टिस करेंगे. अब सो कल से फिक्स शेड्यूल बन रहा है हमारे डांस का और पढ़ाई का भी. सो कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 5 बजे से ही. अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में, काफ़ी थक चुके हैं डांस करते करते. सो मिलते हैं रूम में. सो फाइनली हम अपने रूम आ चुके हैं और सोने जा रहे हैं. सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ डू शेयर इट, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए यार. वो लाल बड़ा बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा ना तो काम बन जाएगा मेरा. तो इसे शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को आप अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा और मेक यू गाइज हैप्पी एंड मोर क्रिएटिव. थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट.